अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने पैरेट्स से मिलवाती हूँ, तोतों से मिलवाती हूँ। क्या कर रहे हैं तोते? ये देखो, मैं खाने पीने के चक्करों में लगे हुए हैं। ये भी बैठा हुआ है एक, और एक ये हीरो ये बैठा हुआ। ये अपने खाने पीने के चक्कर में लग रहे हैं। इन्होंने अभी खोला था, इनको सफाई वफाई करी और दोबारा से इनको बंद कर दिया। और मैंने भी यहाँ चाय चढ़ा दी है नाश्ते के लिए। ये मुझे बोलकर गए थे कि तुम चाय चढ़ाओ, मैं कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। अब देखो क्या लेकर आते हैं खाने के लिए। और अभी मुझे जाना भी है अभी मुझे ना हानिया को लेने के लिए जाना है। नाश्ता करते ही निकल जाऊंगी हानिया को लेने के लिए। हानिया गई हुई है स्कूल। हानिया का मैंने स्कूल चेंज करवाया है, उसका एडमिशन जो है मैंने दूसरे स्कूल में करवाया है। अब्दुल्ला जिस स्कूल में पढ़ता था ना, अब्दुल्ला का तो वही मतलब एडमिशन हुआ हुआ था, उसको ही मैंने रिन्यू करवा दिया। वही मतलब उसको उसी एडमिशन पर क्लास वन में वो कर दिया, मतलब प्रमोट कर दिया KG 2 से क्लास वन में, उसको वहीं से प्रमोट कर दिया। और उसका तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हानिया का आज टेस्ट था। हानिया को टेस्ट के लिए बुलाया था, तो हानिया जो है वो टेस्ट के लिए गई थी। सुबह 8 बजे भी उठी हुई हूँ और हानिया को लेकर गई, फिर उसको छोड़कर आई। अब नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करके उसको फिर 10:30 तक उसको लेने के लिए जाना है। इससे 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने, कहा था कि 9 बजे हम टेस्ट शुरू करेंगे और 1.5 घंटे में आप आ जाइएगा लेने के लिए। कह रही थी आप लोग आप यहाँ बैठ जाएं, मैंने कहा नहीं बैठ नहीं रही, क्योंकि फिर वो ना ऐसा होता है कि इनको फिर ना नाश्ते के लिए देर हो जाती है अगर मैं बैठ जाती हूँ तो। इस पर हम बैठे नहीं, हम वापस आ गए उसको छोड़ कर। अभी मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही है, मेरी आँखों से लग रहा होगा शदीद वाली नींद आ रही है। बस मैं हानिया को लेकर आऊँगी और मैं सो जाऊँगी। अच्छा जी, तो ये भी आ गए। अब मैंने जल्दी से चाय मैंने निकाली है और ना मैं अंदर ले जाऊँ टाइम, क्योंकि काफ़ी हो गया और मुझे जाना भी है हानिया को लेने के लिए स्कूल। तो वाह, नाश्ते में ज़बरदस्त थी। हमारे इलाके का बहुत मशहूर छोलों का पुलाव है और इतने मज़े का, इतना यमी होता है ना, मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। शक्ल तो मैंने आपको दिखाती है, अब खाकर भी दिखाती हूँ कैसा है। बहुत मजेदार सर पुलाव है, इससे होता है ना हर चीज बहुत मजेदार। और ये बता रहे हैं कि ब्रश इतना लगा हुआ है, बस उनका पतीला खुलता है, पता भी नहीं दम पे लगे हुए होते हैं। तो लोग जो ना इंतजार में होते हैं, जल्दी से लगते हैं और हम खरीदे पहले से ही, मतलब उनका रस जो है ना लगना शुरू हो जाता है। बहुत मज़ेदार, अच्छा बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? थक गई, थक इसलिए गई क्योंकि मैं इसलिए थक गई कि ना वो मैं गई थी सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ, पहले हानिया को छोड़कर आई, फिर आके नाश्ता बना के दिया इनको, नाश्ता किया, फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोबारा से हानिया के स्कूल गई। हानिया टेस्ट कर रही थी तो फिर वो उन्होंने मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया था, तो फिर मैं 1.5 घंटे के बाद यहाँ से चली गई थी। 9 बजे उसका टेस्ट शुरू हुआ था, तो 10:30 तक मैंने सोचा चलो कंप्लीट हो जाएगा, तो नाश्ता करके मैं यहाँ से चली गई थी। तो वो फिर ना ये हुआ कि अब मैं वहाँ गई स्कूल तो पता चला कि अभी इसको टेस्ट करने में और टाइम लगेगा। फिर मैं बैठी रही, मुझे तकरीबन 10:30 बजे से मैं यहाँ से गई भी थी, इसका टेस्ट कम्प्लीट हुआ है 11:30 बजे। टेस्ट कंप्लीट हुआ, टीचर ने
चेक किया आधा घंटा उनको लगा चेक करने में। फिर मैं मतलब उसका एडमिशन वगैरह हो गया, उन्होंने फॉर्म वगैरह मुझे दिया, तो फिर मैं आई हूँ 12:30 बजे। 2 घंटे वहाँ पर बैठी हूँ मैं स्कूल, थक गई और पक गई, सही की पक गई, मैं बहुत पक गई आज तो, मेरा दिमाग वो हो गया मेरा तो वहाँ बैठे बैठे। तो बस फिर आके मैंने जो है ना कुछ नहीं किया, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि कड़ी चावल जो है ना वो कल के जो बनाए थे ना मैंने चावल मैंने ज़्यादा बना दिए थे, ये सोच के कि चलो दोपहर में भी बच्चे खा लेंगे, वरना फिर बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि ना वो चावल बना लें दोबारा। अब बार बार मैंने सोचा चावल दोपहर में भी बनाने पड़ेंगे मुझे, चावल इससे बेहतर है कि मैं ना अभी एक साथ ही बना लेती हूँ गर्म करके ना, ये बच्चे ही खा लेंगे अपने और बच्चे। तो बस वो खाना तो बनाना नहीं था मैं इसलिए, चलो मैंने सोचा चलो बैठ जाती हूँ अब लेकर ही जाती हूँ ड्रेस, अब मैं परसों का क्या वेट करती, परसों फिर इसका फॉर्म वगैरह मिलता मुझे। अभी एक परसों जो है ना सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सबमिट करा दूँगी स्कूल के अंदर। और अभी बस कुछ नहीं कर रही मैं, खाना वाना खा के अभी बैठी हूँ, 3:30 हो रहा है, नमाज पढ़ के पहले नमाज पढ़ी फिर खाना खाया और बस। और आज मैंने पता है क्या बनाया है, आज मैंने बनाए हैं काले छोले, रोगनी छोले, मज़ेदार छोले, देखें पक रहे हैं। वो असल में ऐसा है कि जो छोले रखे होते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें घुल लग जाती है, कीड़े मतलब पड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि ये ख़राब होके फेंकने पड़े मुझे, कुछ टाइम बाद बना के खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, शाम में आएंगे तो चाय के टाइम पे इन लोगों को ना छोले मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना छोले रात को भिगो दिए थे और फिर सुबह में मैंने चला दिए थे, मैंने छोले खाने में आ जाएंगे, वरना ऐसा होता है कि छोले जैसी चीज़ रहता है कि छोले जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि वो पकने में नहीं आते हैं, स्पेशली काले छोले जो हैं वो पकने में नहीं आते और फिर वो ख़राब होकर फेंकने पड़ जाते हैं कुछ दिनों में या कुछ 2-3 महीने में 4 महीने में ना, उसमें घुल लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है फिर वो वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फिर वो खाने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए फिर मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह ही फिर मैंने चला दिए थे। स्कूल से आई ना हानिया के एडमिशन करवा के, हानिया का अल्हम्दुलिल्लाह हानिया का जो एडमिशन है ना वो हो गया, डन हो गया, और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया थी, देर तक मैं वहाँ बैठी रही लॉ, सही किसी थक गई और सही किसी पक गई मैं वहाँ पे बैठे बैठे ना, बहुत कह रहे टाइम लगा मुझे टीचर ने मुझे। तो आज भी हमारे घर में बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है और आज की बर्थडे के लिए तैयार हुआ था।
मजा आ गया, एंजॉय रही है सबने। हमें नहीं, हमें नहीं को